बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी बेटा, वेलकम बैक अगेन। आज काफ़ी दिन के बाद हम नई जगह पे अपना मैथ का लेसन स्टार्ट करने लगे हैं। देखिए ज़रा बोर्ड की तरफ, क्या करना है आपने, क्या स्टेटमेंट लिखी गई है ऊपर, यूज़ ऑफ मेंटल स्ट्रेटजीज। यूज़ ऑफ मेंटल स्ट्रेटजीज, ये आपकी बुक का जो न्यू एडिशन है उसमें से लिया गया है ये वाला कॉन्सेप्ट मैथ का, जिसमें छोटे एंड बड़े सारे बच्चे इन्वॉल्व हैं। ओके, दो दो फिगर्स दे दी गई हैं इसमें मैथ की, और बाकी दो फिगर्स जो हैं वो मिसिंग हैं, वो आप लोगों ने फिल करनी है इसमें सोच के। ओके, गॉट इट? यस। ठीक है बेटा, उस्मामा, इशाल एंड इरहा। बेटा, एडिशन के क्वेश्चन में फर्स्ट दो फिगर्स कौन सी लिखी गई हैं बोर्ड पे, देख के बताइए, ज़रा पढ़िए। 11 प्लस 2, देखिए ज़रा। एक बच्चा पहले लिखने के लिए आ गया, रमीस आ जाएं आप ज़रा बोर्ड पे। जी कौन बताएगा इधर से? जी उस्मामा, 11 प्लस 2 3। बैठ जाइए। एनीवन एल्स? इरहा जी बेटा कीजिए, अपने फिंगर टिप्स भी यूज़ कर लें, कोई मसला नहीं है, फिंगर टिप्स यूज़ करें अपनी, जैसे हमने आपको करवाया है। 13 हो गया। ओके, इधर गुड, बैठ जाइए। ओके जी, इसका आंसर आ गया आपके पास। अब बड़े बच्चों में नेक्स्ट काम बड़े बच्चों ने करना है, क्या करना है, आपने जो फर्स्ट फिगर दी गई है जिससे नेक्स्ट टू ब्रांचेस आपकी बन रही हैं सर्कल की फॉर्म में, ओके, उनमें आपने वो दो फिगर्स ऐड करनी है जिनको आपस में बुलाएंगे तो हमारी ऊपर वाले सर्कल की वैल्यू हमारे पास आएगी। ओके, क्या वैल्यू है फर्स्ट ऊपर वाले सर्कल की, क्या वैल्यू है? जी 11। तो कौन सी दो वैल्यूज हम आपस में प्लस करेंगे तो हमारे पास 11 आ जाएगा? इशाल 17। जी 17। नो, रॉन्ग। बैठ जाइए, बैठ जाइए, शाबाश। मूसा बताएंगे। 5 एंड 6। 5 प्लस 6, ठीक कह रहे? यस। लिखे ना 5 प्लस 6। ओके, इसके अलावा एक एक फिगर आपने और बताएंगे तो आप बैठें। 1 मोर। सैफ बताएंगे। 8 प्लस 3 11 होते? यस। 8 प्लस 3 जी होता है। ओके ठीक है, सैफ बैठ जाए, गुड। रमीस आ जाए अपनी सीट पे। अब कौन आएगा? सैफ आ जाए बेटा। नेक्स्ट टू फिगर्स उस्मामा, इशाल एंड इरहा बताएंगे हमें। प्लस एडिशन के क्वेश्चंस में नेक्स्ट टू फिगर्स कौन सी लिखी गई हैं बोर्ड पे? 12 एंड 5। वेयर इज 12 एंड 5? ओके जी कीजिए, कौन बताएगा? 12 प्लस 5। जी जी क्या हो गया है बता दें। 17। ठीक कह रहे हैं उस्मामा? यस। बैठ जाए उस्मान। 17। ओके, आप आपने दो फिगर्स आइडेंटिफाई कीजिए, ज़रा फाइंड आउट कीजिए जिनको आप लगाएंगे तो आपके पास कौन सी फिगर आनी चाहिए? 12। गुड जी। ये रहा 6 प्लस 6, शाबाश, बैठ जाए। 6 प्लस 6, इसके अलावा मैम 8 एंड 2, सॉरी सर, 8 एंड 2।
एट प्लस फोर इक्वल ट्वेल्व। गुड, बैठ जाइए। अब नेक्स्ट टू फिगर्स कौन सी हैं? एडिशंस में, एडिशन के ही क्वेश्चन अभी हम अटेम्प्ट कर रहे हैं। 13 प्लस सिक्स, उस्मा मई चाल है निरखा, क्या आपका लेवल है बेटा? 13 प्लस सिक्स कीजिए कीजिए, फिंगर टिप्स यूज़ कीजिए जल्दी से जी। आप आ जाएं, श्याम को भेज दें लिखने के लिए। उस मामा इशा ली रहा इतना टाइम जी। 19, वेरी गुड जी, 19। अब नेक्स्ट टू फिगर्स कौन सी होनी चाहिए? तो आपके पास क्या आना चाहिए? 13 आना चाहिए आपके पास नेक्स्ट। कौन बताएगा? सैफ। 7 and 6 ठीक बता रहे? यस ओके, लिखिए। 7 plus 6 is equal 13। टू मोर फिगर जी, इशाल बताएंगे। 18 plus 19 नो बेटा, हमने 13 तक जाना है, 18 तो बहुत आगे आप चले गए। बैठ जाएं, आप बैठें। और कोई? रमीज। 10 और 3 10 plus 3। गुड, ये इजी था आप लोगों के लिए, इसीलिए आपके ना फौरन फौरन आंसर्स आ रहे हैं। एक मिनट बता रही हूँ आपको। अब आप लोगों ने जो काम करना है वो तो सॉरी, अगला काम सही है आपने करना है। आ जाएं श्याम अपनी सीट पे। मूसा स्पीड टेस्ट कीजिए जल्दी, मूसा आ जाएं हरी। अब क्या करना है? इस साइड पे हैं बेटा, आप इस साइड पे हैं मूसा। ओके जी, अब क्या करना है? उस्मा माई चाली रहा, सब्सट्रैक्शन आ गया बेटा आपके लिए। कौन सी दो फिगर्स लिखी गई हैं? 18 and 9 18 minus 9। कौन करेगा? इरहा बताएंगे। हरी अब 18 minus 9 बेटा, आपके आपका मैथ की बुक आपकी सोच से ज़्यादा टफ है अब, और आप देख लें कि आपको अभी तक प्लस माइनस ही क्लियर नहीं हो रहा आपके माइंड में जी। गुड गर्ल, लिख दिया 9। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, छोड़ दें बस। अब बड़े बच्चे, वो दो फिगर आइडेंटिफाई कीजिए जनाब, जिनको आपस में माइनस करेंगे तो आपके पास 18 आना चाहिए। जिनको माइनस करेंगे आपस में 18 आता है। हाँ जी, सोच लेते हैं अभी नहीं, आपको अब तक सोच लेना चाहिए था। हरिया जी, 36 minus 18 कीजिए मूसा। ठीक कह रहे हैं ये? यस, मूसा ने तुक्का ही लगाया है। ठीक लिखे 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 शाबाश। 36 minus 18 है, ये क्या की है? मूसा स्पीड टेस्ट करो, चले जाए आप वापस, चले जाए आप। रमीज को दे दें। जी 36 minus 18 था बेटा आपका। क्या हो गया है आज? काफ़ी दिन के बाद हम कर रहे हैं तो आप सारे बच्चे आउट ऑफ सेंसेस हो गए हो। हरी अब इतना टाइम नहीं होता। 36 minus 18 equals 18। वन मोर फिगर जी बेटा, स्पीड तेज होनी चाहिए। 36 minus 18 equals 18। जी 37 plus 17 जी, माइनस करना है।
अच्छा मुझे बताएं, अगर हम 28 माइनस 10 करें तो क्या आएगा? 28 माइनस 10 जी इधर ही बता दें, कहाँ जा रहे हैं जी बताइए। तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? 18। फिर आंसर आया कि नहीं आया? बेटा बहुत बुरी बात है इसका दर, आप लोग वीक हो गए हो, जस्ट एक वीक या 10 दिन की बात है जब हमने नहीं किया आपको बोर्ड पे काम, हम नहीं करवा सके। ओके नेक्स्ट आ जाएं, रमीश आ जाएं सामने। 20 माइनस 0 उस्मान माई शाल है निरहा, 20 माइनस 0 इरहा आंसर बताएंगे जी इज इक्वल 20। क्यों बेटा? क्योंकि ज़ीरो है और ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए जिस भी फिगर में से हम ज़ीरो माइनस करेंगे वो एज इट इज़ हमारे पास आंसर आ जाएगा। ऐसा ही है? ओके गुड। रमीश आ जाए लिखने के लिए, जल्दी से बेटा आंसर लिखिए। बाकी बच्चे मुझे वो दो फिगर्स बताएंगे जिनको आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास 20 आ जाएगा। बेटा क्या हो गया है आप लोगों को? 20 आएगा जी जी मैम। 14 माइनस 20 इज इक्वल 20। आप 40 कहो ना, 14 क्यों कह रहे हो? 14 माइनस 20 कह रहे हो आप, 40 नहीं कह रहे बेटा, वो 40 होगा। 40 कैसे बनता है? उस मामा ही शाह में रखा बताएंगे, 40 कैसे लिखेंगे जी? 40 शाबाश लिखें। एक और फिगर सोचें। अच्छा जब मैं कह देती हूँ तब सोचना शुरू करते हैं, पहले नहीं सोचा जाता हम जी। वो दो फिगर्स आपने देखनी है जिनमें से आप माइनस को आपस में माइनस करोगे तो आपके पास 20 आएगी। 30 माइनस 10 मीन्स क्या ये ठीक कह रहा है? बड़े ही अफसोस की बात है बच्चों, इससे इजी क्वेश्चन मैं बना नहीं सकती थी आज। मैंने इसीलिए इजीएस्ट जो है ना वो पैटर्न चूज़ किया था, मुझे पता था काफ़ी दिन का गैप आ गया और आप लोगों में मेंटली सो चुके होंगे गए जितना। आ जाए हम दो दिन रह गए बेटा, उस मामा इंशाल के पेपर स्टार्ट हो रहे हैं फाइनल, ठीक है आपके भी जी बिल्कुल आपके भी 3 दिन के बाद। तो लेकिन ये है कि कोशिश हमारी होगी कि हम इसको साथ साथ कैरी ऑन रखें अपने बोर्ड के काम को, ताकि आप लोग जब नेक्स्ट आपकी क्लासेस स्टार्ट हों तो आप लोग जो है ना थोड़ा सा मेंटली उसमें एक्टिव रहें और इन्वॉल्व रहें, क्योंकि आज तो मैं खुद हैरान हो गई हूँ आप लोगों का रिस्पांस देख के। हमें 36 लिखना ही भूल चुका है मूसा। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन है? ओके ठीक है, चलें आज का लेसन क्लोज़ करते हैं बेटा इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर इम्तहान में कामयाब करें और आपको सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन आमीन या रब्बुल आलमीन।